जनाब बोला ये जाता है कि हदीस का जब किसी को रेफरेंस दिया जाता है तो लोग ये बोलते हैं कि आप डायरेक्ट क्यों जा रहे हैं, जिस तरीके से भी आपने बताया डायरेक्ट क्यों जा रहे हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी जाए, ये सवाल होता है लोगों। नहीं, मैं क्लियर मतलब नहीं हुआ। कहने का ये है कि आप किसी आलिम के पास जाएं या किसी मुफ्ती के पास जाएं पहले, क्या मतलब कहने का होता है? कहने का ये मतलब होता है कि जिस तरीके से बुक्स का रेफरेंस दिया जाता है किसी, है ना, तो वो ये बोलते हैं कि आप लोग डायरेक्ट ही बोलते हैं, डायरेक्ट ही बात करते हैं। बहुत से लोगों का ये आप बुक मामला लेके रहता है। गए, सुनिए, आप गलती पे उस वक्त होते जब आप किताब पढ़ते, कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, फिर फैसला कर लेते, फिर बात खत्म, तब उनका एतराज और उनका जवाब दुरुस्त था। लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, और आपके जहन में आप दूसरे अकीदे के मिसाल के तौर पे हैं, किसी दूसरे अकीदा समझ में आ रहा है, तो उनके नजदीक शुबा होगा, तो आप उनके हिसाब से कोई शुबा पेश कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो तरीका है इल्म का वही है कि जो ना समझ में आए वो उलमा से पूछिए, उलमा की तरफ रुजू कीजिए। अब कुछ सही हदीसें हैं जिनकी रोशनी में हमारा ख्याल, हमारा अकीदा बातिल नजर आता है, तो इसलिए हम हदीस को और कुरान को लेके आए हैं कि भी मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, फलां साहब समझा दीजिए। तो इल्म का ये तरीका है, ये इनडायरेक्ट है भाई, कहाँ डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ही है। मैंने कुरान, जी मान लीजिए दो उलमा में आपस में इख्तलाफ है, तो किसकी बात माने? जिस घर में पैदा हो गए आप इस घर में पैदा हो गए तो ये मानेंगे, उस घर में पैदा हो जाते तो वो मानते, या हम देखेंगे जिसके पास प्रूफ है कुरान हदीस से हम उनकी बात को ले लेंगे, जिनकी बात कुरान हदीस की रोशनी में साबित शुदा नहीं है उनकी बात को छोड़ देंगे। हाँ जी ठीक जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।